बस्तरी गांव में जो आपदा पीड़ितों के यहाँ पे हम लोग आए, हमने जो स्थान था, जो गांव था, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, मकान ध्वस्त हो गए थे, उसका भी जायजा लिया, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, लोगों से मिले, उनका दुख दर्द बांटा हमने। हमने उनकी बातें सुनकर हमारा दिल जो है इतना दुखी हो गया, हमारे हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जो भी धनराशि थी हमने कोशिश की उनको देने की। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अपनापन दिखाया इन लोगों ने। बहुत परेशान कर रहे, आप आए, क्या समझते हैं अपने आप, जानते हो मुझे, अपना कोई भी नाम एक रख सकते हैं, रख सकते हैं भानु प्रताप। पुलिस की नौकरी मैंने पैसों के लिए नहीं की, शायद खतरों से खेलने का शौक है। इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, मैं अपना इम्प्रोवाइज करूँगा। मेरा मोबाइल वो भी किसके मोबाइल त्रिशु में दे दी। ओके 5,000 है ये हमारे तरफ से छोटी सी भेंट है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ अच्छा कर सकें। अपन टीचर को दी शब्द की आप कुछ बोलिए तो सर। हमने हमारी संस्था की तरफ से 5,000 रुपये एक छोटी सी भेंट आपको दे रहे हैं, आप कुछ कहेंगे क्या? हमारी संस्था की तरफ से आपको 5,000 रुपये का आप कुछ कहना चाहेंगे दोस्त साहब? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो जगबुदा आपको अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे धर्म सिंह बिस्ट जी ने, हमारे जो सुरेश मेडिकल जनरल स्टोर की तरफ से यहाँ के आपदा पीड़ित लोगों के लिए दवाई की मदद भेजी गई है, और जो भी इसे लेने आएगा कृपा करके मुफ्त सेवा है। ठीक है, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों के प्यार, आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से आज हम लोग अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब हो पाए हैं। अगर आप लोगों का प्यार नहीं होता तो शायद हम लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाते, और आप लोगों के साथ साथ ही जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किए। जोशी जी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो यहाँ के पटवारी हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने में बहुत मदद की है, इनका धन्यवाद। हम राजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ एक अपनापन, एक परिवार का जो माहौल दिया, जो इन्होंने हमें जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी जो शांति है इनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमें सही सलामत मंजिल तक पहुँचाए। और ये सुरेश भट्ट देवभूमि लोकला उद्गम से आज बस्तड़ी में थोड़ा मलहम लगाने के लिए आए थे हम लोग। हमारी टीम दान सिंह राजपूत जी सिने स्टार हैं, धर्म सिंह बिष्ट जी एक जांबाज जवान हैं, तो हम लोग आए यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कि किस परिस्थिति में ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं बस्तड़ी गांव में लोग, ये देखा। सरकार ने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की लेकिन बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत ही अपर्याप्त। अभी हम लोग खड़े हैं उन सरकार के द्वारा प्रदत्त टेंट हाउस बनाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के मानकों के आधार पर ये शून्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सुरक्षा मानक बिल्कुल जीरो हैं यहाँ पर। और ये टेंट खाली पड़े हैं, मतलब इसमें पब्लिक रह नहीं सकती क्योंकि जंगली जानवरों का भय है। एक बार फिर से आप सभी शुभचिंतकों का हम तहे दिल से बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग, प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद की वजह से हम लोग अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस अपने लोकेशन पे जा रहे हैं। हमारे साथ राजा जी हैं, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं।
यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं अस्कोट है जहाँ पे इनका महल है। बहुत ही इन्होंने हमें आमंत्रित किया है और अगली बार हम जरूर